नमस्कार दोस्तों, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधु स्वागत करता हूं। भारत में विभिन्न देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है। भक्त अपने आराध्य देव या देवी को किसी न किसी वस्तु का भोग लगाते हैं। इसमें मुख्य रूप से फल व मिठाई का भोग शामिल है और साथ ही मंदिर में भगवान को लगाया गया भोग ही प्रसाद रूप में भक्तों में बांटा भी जाता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में जानकारी देंगे जिसमें फल, मिठाई, मिश्री या नारियल आदि का भोग नहीं लगाया जाता, बल्कि भगवान को चॉकलेट चढ़ाई जाती है और इसी मंदिर में चॉकलेट को ही प्रसाद के रूप में भक्तों में बांट दिया जाता है। केरल में स्थित है मंदिर। केरल के अलेप्पी या अलापुझा नामक स्थान पर एक ऐसा अद्भुत मंदिर स्थित है जिसमें भक्तों द्वारा भगवान को चॉकलेट का भोग लगाया जाता है। इस मंदिर को बाला सुब्रमण्यम मंदिर के नाम से जाना जाता है। अलेप्पी शहर को भारत का वेनिस भी कहा जाता है। प्रसाद के रूप में भक्त चढ़ाते हैं चॉकलेट। यह मंदिर भारत का इकलौता ऐसा मंदिर है जिसमें भगवान मुरुगन को चॉकलेट का भोग लगाया जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर में पहले केवल बच्चों द्वारा ही चॉकलेट चढ़ाई जाती थी, लेकिन अब इस मंदिर में आने वाला हर भक्त मंदिर में चॉकलेट का भोग ही लगाता है। इस अद्भुत मंदिर में भगवान मुरुगन के बाल रूप की पूजा की जाती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान मुरुगन ही भगवान सुब्रमण्यम और कार्तिकेय के नाम से भी जाने जाते हैं। भगवान कार्तिकेय देवों के देव महादेव और माँ पार्वती के पुत्र हैं। क्यों चढ़ाई जाती है चॉकलेट? इस मंदिर में चॉकलेट क्यों चढ़ाई जाती है इसके बारे में कोई खास मान्यता नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि इस मंदिर में भगवान मुरुगन बाल रूप में विराजमान हैं। इसलिए जिस प्रकार छोटे बच्चों को चॉकलेट पसंद आती है, उसी प्रकार बाल रूप भगवान को भी यही सोचकर चॉकलेट का भोग लगाया जाता है और यह प्रथा आज भी निरंतर जारी है। भगवान को चढ़ाई हुई चॉकलेट ही भक्तों में प्रसाद के रूप में वितरित की जाती है। सो दोस्तों, ये थी एक ऐसे मंदिर से जुड़ी जानकारी जहां पर भगवान को चॉकलेट का भोग लगाया जाता है। ऐसी जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। जुड़े रहिए D5 चैनल हिंदी के साथ।